झालावाड़ जिले की डग विधानसभा की हम सीट से भाजपा के उम्मीदवार कालूराम मेघवाल के समर्थन में आम सभा को संबोधित करने हेलीकॉप्टर से चौमेला पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया अपार जनसमुदाय को देख अपने स्वागत सत्कार से अभिभूत हो गई। विधायक कालूराम व समर्थकों ने उनको सांवरिया सहित तस्वीर भेंट की, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को याद दिलाते हुए किसानों को पूरे समय पानी बिजली की उपलब्धता का वादा किया। क्षेत्र की जनता का पिछले 35 सालों से उनके साथ रहने पर उनका आभार व्यक्त करते हुए 25 नवंबर को उनके प्रतिनिधि कालूराम मेघवाल को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। कहा, यह प्रतिनिधि आपकी व क्षेत्र की समस्याओं से मुझे अवगत कराएंगे और आपकी हर समस्या को विधानसभा तक पहुँचाएंगे। इनके संबोधन से पूर्व मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंक ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार बनते ही पहला काम चंबल पुलिया का होगा। इसके बाद मान सिंह चौहान, डॉक्टर अशोक वशिष्ठ, लाल सिंह, आदित्य कटारिया, जगदीश भावसर, राजू नीमा व अन्य मध्य प्रदेश व राजस्थान के भाजपा कार्यकर्ताओं ने आम सभा को संबोधित किया, जिसमें मध्य प्रदेश की तरह महिलाओं को सम्मान व आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की बात कही गई। भाजपा को कमल के निशान पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। मंच संचालन अरविंद अग्रवाल ने किया। चौमला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी। काम करती है और आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि 5 साल के लिए झालावाड़ को अलग रखने की पूरी तरह से कोशिश करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। ध्यान रखना सब लोग, ये मेरा परिवार है। इस परिवार के लिए हम लोगों ने खून और पसीना एक किया है। मैं इस परिवार को तब से जानती हूं जब यहाँ खाली एक सड़क थी। आज क्या शानदार चाय की दुकान बन गई है। मैं देख के आ रही हूँ पवन जी के दुकान को, मैंने कहा वाह, ये चौमेला को मुझे याद ही नहीं आती है कौन सी चौमेला है। मैं उस समय आई थी जब यहाँ थोड़े से घर थे, कुछ लोगों ने अपनी दुकानें खड़ी की थी, अपने मौजूद लोग, गांव ही गांव थे आसपास, खेती खेत थे, कुछ नहीं था। टमाटर खाते खाते आप लोगों के बीच में आए और तब से लेके आज तक 35 साल बाद इस क्षेत्र के अंदर धीरे 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 जो काम हुए उसकी वजह से आज वो चौमेला और आज के चौमेला में जमीन आसमान का फर्क आज मुझे खुद को देखने को मिल रहा है। ये एक रात में नहीं हुआ भाइयों, उसको बहुत साल लगे और उसको बहुत मेहनत लगे। और अगर प्यार नहीं होता ना तो ये काम भी पूरा नहीं हो सकता था। आज जब हम देखते हैं कि रेलवे लाइन कहाँ, ट्रेन थी, हम लोगों को सिग्नल को ब्लैंकेट डाल करके, याद है आप लोगों को, रोकना पड़ता था जब यहाँ चौमेला में अपने को उतरने की जरूरत थी। या कुछ कुछ कार्यकर्ता हैं जो जानते हैं उसके ऊपर चढ़ के किस तरीके से करते थे, तब तो हम यहाँ उतर पाते थे। और नहीं तो आपका रास्ता झालावाड़ से यहाँ आने तक रुला देता था। हम आते थे कि अरे भाई डग जाना है।